को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति के ओर से खासतौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हमने शुरू किया है। इस बाल संस्कार वर्ग के माध्यम से सभी बच्चों को कितनी नई नई बातें सीखने को मिल रही है ना? हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे आदर्श कृतियां हैं, वो सारी बातें इस वर्ग के कारण ही हमें पता चल रही है। और ये जो सारा ज्ञान हमें मिल रहा है ना, इसका सभी संशोधन इस संस्था के जो संस्थापक है परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके कारण मिल रहा है। तो हम उनके चरणों में कृतज्ञ रहकर ये संस्कार वर्ग सुनेंगे और इसमें बताई गई सारी बातें अपने आचरण में लाने के लिए प्रयास करेंगे। चलो फिर अब आज का संस्कार वर्ग हम आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर आज का यह संस्कार वर्ग आरंभ करेंगे। अभी हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करें, मन में हमारे प्रिय श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, केवल आपकी ही कृपा से आज इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपके चरणों में शरण आए हैं। हे श्री गणराया, आज इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र आप बताने वाले हैं, वे हमें समझ में आने दो और वे सारे सूत्र हमारे आचरण में आए, इसके लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि और क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ ये श्लोक कह सकते हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ हम हर दिन देखते हैं, तो आज भी हम वो देखेंगे। गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का नाश करने वाले सर्वशक्तिमान, कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले, हे श्री गणेश जी, आप ही की कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। तो बच्चों, भगवान की कृपा से आप सभी बच्चे ये संस्कार वर्ग बहुत ही मन लगा के सुन रहे हो, ये हमें पता चल रहा है। कई बच्चों ने चैट बॉक्स में ऐसे लिखा भी है, तो वो बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि इस संस्कार वर्ग से उन्हें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही है, अच्छे अच्छे संस्कार उन पर हो रहे हैं। नाम जप करते समय कई बच्चों को अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है और कुछ बच्चों को तो नाम जप करते समय स्वयं श्री गणेश जी उनके सामने है, ऐसा अनुभव आ रहा है। सभी बच्चे अगले दिन संस्कार वर्ग कब आएगा इसकी राह देखते हैं। और इस संस्कार वर्ग में हम जो स्तोत्र बोलते हैं ना, उस स्तोत्र का पठन कई बच्चे घर पर भी कर रहे हैं।
हम जो आदर्श कृतियां सिखा रहे हैं उसके अनुसार आचरण वे घर पे कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और भी बच्चों को कोई अलग अनुभव आ रहे हैं या कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो अवश्य चैट बॉक्स में डालें। बच्चों के माता पिताओं को सिर्फ एक विनती है, आप जब बच्चों के अनुभव लिखोगे ना तो उसके सामने आप बच्चे का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चले कि ये किस बच्चे का अनुभव है, क्योंकि ये माता पिता भी हमें लिख रहे हैं कि इस संस्कार वर्ग के कारण उनके बच्चों में बहुत से बदलाव हो रहे हैं, वो आज्ञाधारी बन रहे हैं, उन पर अच्छे संस्कार हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप इस संस्कार वर्ग में सहभागी होना, अपने अन्य मित्रों को भी इस वर्ग के बारे में बताना, और आपका संपर्क क्रमांक भी आप चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपको संपर्क कर सके। चलो फिर अब आज की कथा की ओर हम जाने वाले हैं। आज की जो कथा है ना वो द्वापर युग की है। सभी बच्चों को भगवान श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं ना, तो उनकी ही एक कथा आज हम सुनने वाले हैं, जिस कथा से हमें एकता और संगठन का महत्व समझ में आने वाला है। तो ये हमारे भगवान श्री कृष्ण है ना, इनका जन्म भी द्वापर युग में ही हुआ था और वे गोकुल में रहते थे। तो उस गोकुल में सारे गोप गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत ही आनंद के साथ रहते थे और वे हर साल भगवान इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि गोकुल के सारे बड़े बुजुर्ग लोग जो थे ना उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि अगर हम भगवान इंद्रदेव की पूजा करेंगे तो उनके कारण गोकुल में अच्छी बारिश होती है और उसी वजह से गोकुल की खेती बाड़ी बहुत ही अच्छे से फलती फूलती थी। इसके कारण कई सालों से यही उनकी प्रथा थी कि हर साल इंद्रदेव की पूजा करना। परंतु ये सारे गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ना, इसके कारण इंद्रदेव को बहुत ही अहंकार हुआ था। उन्हें ऐसे लगता था कि मेरे कारण ही गोकुल में बारिश होती है और इसलिए ही सारे गोकुलवासी आनंदी है। हमारे जो श्री कृष्ण भगवान है वे तो अंतर्यामी थे, यानी उनको हर एक के मन में जो भी कुछ चल रहा है ना वो सब पता चलता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी के ध्यान में ये बात आई कि इंद्रदेव को अहंकार हुआ है। तब उन्होंने क्या किया ना, जब इंद्रदेव की पूजा का समय पास में आया तब उन्होंने सारे गोप गोपी सारे गोकुलवासी माता पिता इन सबको बुलाया और वे कहने लगे, हम आज तक भगवान इंद्रदेव की पूजा करते आए हैं, लेकिन हमारे गोकुल पर जो वर्षा होती है ना वो इंद्रदेव के कारण नहीं होती। अपितु हमारे गोकुल के पास में ये जो गोवर्धन पर्वत है ना उसके कारण हमारे गोकुल में वर्षा होती है, क्योंकि जब बादल आते हैं ना तो उन्हें ये गोवर्धन पर्वत ही रोकता है। वो बादल गोवर्धन पर्वत को टकरा जाते हैं और फिर हमारे गोकुल में बारिश होती है। तो क्यों ना इस साल से हम इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। श्री कृष्ण जी का ये जो वाक्य था ये सभी को अच्छा लगा और सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। परंतु ये बात जब इंद्रदेव को पता चली ना तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने बादल को बुलाया और आज्ञा दी, तुरंत अभी के अभी गोकुल में जाओ और जोर जोर से बरसो। अब बादल भी इंद्रदेव के आज्ञानुसार गोकुल पहुंचे और वहां पर जोर से बरसने लगे। तूफान आया,
यमुना के नदी के पानी में उफान आने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। ये सारा रूप देखकर सारे गोकुलवासी घबरा गए और वे श्री कृष्ण जी के पास में गए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बोले, सारे गोकुलवासियों आप मत घबराओ, जिस गोवर्धन की हमने पूजा की है ना, वे गोवर्धन पर्वत ही अब हमारी रक्षा करेंगे। सभी अपनी लाठी अपने साथ लो और चलो मेरे साथ, हम गोवर्धन की ओर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण सारे गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत की ओर जाने लगे। उस पर्वत के पास जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया आपको पता है? हाँ, उन्होंने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया और उसके बाद जो गोप गोपियां थी तो उन्होंने भी अपनी लाठियां पर्वत को लगा दी। फिर श्री कृष्ण ने पूरे गोकुलवासियों को पर्वत के नीचे बुलाया, उनको आश्रय दिया। कितनी अद्भुत लीला है ना ये। लेकिन एक तरफ ये जो बादल थे वो बरस ही रहे थे, बारिश रुक ही नहीं रही थी। ऐसे बहुत से दिन गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी के कारण सारे गोकुलवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। अब इंद्रदेव को पता चल रहा था कि मेरे सामने इस गोकुलवासियों का कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सारे सुरक्षित हैं। ये देखकर फिर भगवान इंद्रदेव का घमंड टूट गया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए, उन्होंने श्री कृष्ण जी की क्षमा मांगी, उनके शरण में वो आ गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें क्षमा कर दी। तो बच्चों इतनी बड़ी बारिश में भगवान श्री गोकुलवासियों को कैसे बचाया, ये आपने देखा ना। और उस समय सारे गोप गोपियों ने भी अपनी लाठियां पर्वत को लगाई थी, उन्होंने ईश्वर के इस कार्य में अपना हाथ बटाया था। इस सेवा से भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन सारे गोप गोपियों को मोक्ष भी दे दिया था। सभी को ये कथा समझ में आई ना? तो बच्चों, घमंडी का सिर नीचा, ये कहावत तो आपने सीखी होगी ना। आपको भी जब हम पाठशाला में जाते हैं, कोई बच्चे पाठशाला में सबसे कुशाग्र बुद्धि के रहते हैं और उनको उस बात का घमंड हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, अन्य जो उनके वर्ग मित्र है उनको नीचा दिखाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ईश्वर ने हर एक को कोई ना कोई गुण दिया है, जैसे कोई पढ़ाई में अच्छा रहता है, किसी की चित्रकला अच्छी रहती है, कोई संगीत में अच्छा रहता है, कोई बच्चा मिलनसार होता है, तो कोई सभी को मदद करता है। ऐसे हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छा गुण होता ही है, इसलिए हमें कभी भी किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है। और दूसरा हम क्या सीखे इस कथा से, अगर कोई भी समस्या हमारे पास आए तो हम सब मिलकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तभी वो समस्या जल्दी दूर हो जाती है और उसके साथ ही हमें भगवान के भक्त बनना है, उनके कार्य में हमें सहभागी होना है, उनके कार्य में हमें सहायता करनी है, इसके कारण हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमें मोक्ष प्राप्ति भी हो सकती है।
ये सारी जो चीजें हैं, ये हमने इस कथा से सुनी कि संगठन और एकता इससे क्या हो सकता है, और भगवान के सेवा में हम थोड़ा फार जो भी हमारी तरफ से भाग लेते हैं उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना है। सबके ध्यान में आया ना बच्चों? आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि इस कथा के बाद हम आज और एक कथा सुनने वाले हैं। ये छोटी सी कथा है, लेकिन इसकी जो सीख है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ना बहुत ही पुराने जमाने की बात है। उस समय एक महात्मा जी थे, और उन महात्मा जी के दो शिष्य थे, और वो दोनों भी शिष्य बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे कथाकार थे वो। लेकिन क्या हुआ ना, ये महात्मा जी थोड़े बूढ़े हो गए थे और उनकी मृत्यु समीप आ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद कोई तो उत्तराधिकारी चाहिए, तो मैं अब किसको चुनूं? तो उन्होंने क्या किया ना, उनके एक शिष्य को बुलाया और दो फल मंगवाए। फिर उन महात्मा ने उनके वो दो शिष्य थे ना उनको बुलाया और एक एक फल उनके हाथ में दिया, और फिर वे बोले, ये जो फल है ना ये आप ऐसी जगह पे जाके खाना कि कोई भी आपको वहां देख न पाए। ऐसे बोलने के बाद जो पहला शिष्य था ना वो अपने कमरे में गया, उन्होंने दरवाजा खिड़की सारा बंद किया, कोई इधर उधर देख तो नहीं रहा। ऐसे उसने देखा और तुरंत वो जो फल था वो उसने खा लिया, और वो आ गया गुरुदेव जी के सामने। लेकिन ये जो दूसरा शिष्य था ना वो कई स्थानों पर गया, परंतु उसे ऐसी एक भी जगह नहीं मिली जहां पे उसे कोई देख नहीं रहा हो। फिर वो शिष्य वैसे ही वापस आ गया और वो गुरुदेव के चरणों में ही गिर पड़ा। उन्होंने गुरुदेव जी की क्षमा मांगी, और वो जो शिष्य था वो बोलने लगा, हे गुरुदेव जी, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, आपने मुझे जो कार्य दिया था ना वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं बहुत सी जगहों पर जाके आया, परंतु मुझे एक भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई देख नहीं रहा, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है और उसके कारण मैं ये फल खा नहीं पाया, क्योंकि हमेशा हमारे तरफ देखते हैं और मैं भी देखता था, इसलिए मैं वैसे ही वापस आया हूं। तो कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे बोलने के बाद वो जो महात्मा थे उनको बड़ी ही प्रसन्नता हुई, उन्होंने दोनों हाथ से उस शिष्य को उठाया और वे बोले, तुमने अभी जो भी अनुभव बताया ना वही सत्य है, वही सच्चा ज्ञान है, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। ऐसे उन्होंने बोला और उस शिष्य को आशीर्वाद दिया, और फिर उसी शिष्य को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। सबके ध्यान में आई ना ये कथा? तो बच्चों, इस कथा से हमें क्या सीख मिली? हमें यही सीखने को मिला कि भगवान का वास सभी जगह रहता है, इस सारे संसार के हर एक कण कण में भगवान बसे हुए हैं, वो हमारी सारी चीजें देखते हैं, उनसे कोई भी बात छुपी नहीं रहती। तो अब से अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, तो वहां कोई नहीं, ऐसे होता ही नहीं, क्योंकि भगवान का हमेशा हमारे ऊपर ध्यान रहता है, और ये बात हमें मन में रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, तो हमारे हाथ से कभी भी
कोई भी बुरा कार्य नहीं होगा। कितनी अच्छी सीख है ना। तो आप सभी बच्चे इसका हमेशा ध्यान रखेंगे और हमेशा अच्छा ही बर्ताव करेंगे, चलेगा ना। चलो फिर अब आगे हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सही, अब हम नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ श्री गणेश जी का नामस्मरण करेंगे। चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 बाल मित्रों अब आंखें खोल सकते हो। सभी को अच्छा लगा ना नामस्मरण करके, क्योंकि ये नाम जप स्वयं भगवान का है और भगवान के नाम जप में शक्ति रहती है, इसलिए हमारे मन को शांत लगता है, हमें अच्छा लगता है, आनंद भी लगता है ना। चलो अब संस्कार वर्ग में आगे हम कौन सी आदर्श कृति देखने वाले हैं? ऐसा आपको लग रहा होगा, तो हम तुरंत उसके ओर जाते हैं, क्योंकि आज की जो आदर्श कृति है ना, उसका अब सभी बच्चे उपयोग कर सकते हैं, उसको आचरण में ला सकते हैं। ऐसी रोज की जो कृति हम करते हैं ना, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। बाल मित्रों आप सभी पढ़ाई करते हो ना, और उस समय हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है ना। तो हमारा जो अक्षर है वो अच्छा हो, स्वच्छ हो, सुवाच्य यानि पढ़ने के लिए आसान हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसे आपको लगता है ना। तो चलिए आज हम यही भाग देखने वाले हैं। सुंदर अक्षर यही खरा अलंकार है, ऐसा एक सुवचन है।
समर्थ रामदास स्वामी ने बच्चों का अक्षर सुंदर हो इसलिए कुछ बातें बताई है। वे क्या कहते हैं? अगर हमारा लिखान, हमारा अक्षर अच्छा होना चाहिए तो बच्चों को रोज बार बार लिखने का अभ्यास करना चाहिए। उसके साथ ही अक्षरों की सीधी और आड़ी जो भी रेश रहती है ना, वो भी अच्छे से आनी चाहिए और हमारी लिखावट इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उसको सिर्फ देखते ही हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। उसके साथ ही अ आ ई, इसके भी जो आकार इकार रहते हैं ना, वो भी अच्छी तरीके से हमको निकालने चाहिए। दो शब्दों में समान अंतर हम रख सकते हैं। और भी हमें हमारी लिखावट सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो हम जब अक्षर निकालेंगे ना, तब पूरी शांति से और एकाग्रता से वो निकालेंगे। हमारा अक्षर सुंदर और घुमावदार आने के लिए हम प्रयास करेंगे। उसके साथ ही दो शब्दों के बीच समान अंतर रखेंगे और हम हर दिन दूरे की जो बही रहती है ना, उसमें 5 पंक्तियां सुलेख लिखेंगे और ये सुलेख हमारे माता पिता को दिखाएंगे और उसमें और क्या सुधार करना चाहिए ये पूछेंगे। ऐसे करने से हर दिन हमारे जो अक्षर है ना, वो अच्छे अच्छे होते जाएंगे। और हम लिखते समय नीले स्याही का उपयोग करेंगे और हमारी लिखावट अच्छी हो इसके लिए अभी छुट्टियों में भी अच्छा वक्त है। इस समय का उपयोग हम इसका अभ्यास करने के लिए करेंगे, जिसके कारण हमारी जो लिखावट है वो अच्छी सुंदर हो सकती है। ऐसा ही प्रयास हमारे बाल संस्कार वर्ग के एक बच्चे ने किया है, तो उसका अनुभव हम उसी के शब्दों में आज हम जान के लेने वाले हैं, क्योंकि ये अनुभव हम जब देखेंगे ना, तभी हमको इसका महत्व भी पता चलेगा। महाराष्ट्र से निखिल ऐसे इस बालक का नाम है। तो निखिल ने क्या लिखा है ना, मैं सनातन संस्था के आश्रम में हो रहे बाल संस्कार वर्ग में नियमित जाता था। वहां एक दीदी संस्कार वर्ग लेती थी और उसने हमें रोज 2 पन्ने नामजप लिखने के लिए बोला था। और आगे वो लिखता है, मेरे अक्षर बहुत ही भद्दे थे, खराब थे, लेकिन संस्कार वर्ग में बताया है इसके लिए मैं रोज 2 पन्ने नामजप लिखता था। उसके कारण अब मेरे अक्षर सुधर गए हैं और इससे मुझे 2 फायदे हो गए हैं। एक तो मेरी लिखावट अच्छी हो गई है और दूसरा मेरा नामजप भी अच्छा हो रहा है। कितना अच्छा अनुभव है ना? तो हम बच्चे भी ऐसा प्रयास अवश्य कर सकते हैं। हम भी अभी छुट्टियां है तो एक बही डाल के उसमें रोज जितना आपको शक्य है उतना नामजप लिख सकते हो। उसके कारण आपकी लिखावट भी सुधरेगी और नामजप भी होगा। तो ऐसा प्रयास आप सभी बच्चे कर सकते हो ना? अब इसके बाद हम और एक कृति देखने वाले हैं। तो वो कौन सी है? तो पढ़ाई के समय हम लिखते हैं और दूसरी चीज क्या करते हैं? तो हम पढ़ते भी है ना, हम कभी स्तोत्र पढ़ते हैं, पाठशाला के पुस्तक पढ़ते हैं या फिर कहानियों के पुस्तक भी पढ़ते हैं। तो ये सारे पढ़ते समय भी हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बात हम देखने वाले हैं। सभी बच्चों का ध्यान इधर है ना, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए है। आप ये सारी बातें आपके आचरण में आसानी से ला सकते हो।
तो पूरा ध्यान देकर एकाग्रता से ये सब सुनना। तो बच्चों, हम जब पढ़ने लगते हैं ना, तो हमें एकदम सीधा बैठना चाहिए, हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए, और जिस टेबल कुर्सी पर हम बैठते हैं वो भी स्थिर रहनी चाहिए, जिसके कारण हम एकाग्रता से और अच्छे तरीके से पढ़ सके। और दूसरी बात, जिस कमरे में हम पढ़ने के लिए बैठेंगे उस कमरे में भरपूर प्रकाश होना चाहिए, और हम उस कमरे में ऐसी जगह पर बैठेंगे कि जहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो उस किताब पर आगे से या फिर बाई ओर से प्रकाश आना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, हम दाहिने हाथ में अगर पुस्तक पकड़े ना तो हमारे उंगलियों की छाया पुस्तक पर नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे। हमारा जो पुस्तक रहता है तो पुस्तक आंखों के बहुत पास में नहीं लाना है, हमारी आंखें और पुस्तक इन दोनों के बीच कम से कम 2 फीट का तो अंतर होना चाहिए। अगर हम बहुत पास लेकर पढ़ेंगे ना तो आंखों को तकलीफ हो सकती है, आंखें दर्द कर सकती है, इसके कारण ये अंतर भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर अगर आप कोई चित्र बना रहे हो तो बहुत देर तक आप वो करते रहते हो, तो उस समय भी हमें हर एक 15-20 मिनट के बाद आंखें बंद करनी है, या फिर किसी दूर की वस्तु के तरफ हम हमारी दृष्टि स्थिर कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि आंखें बंद करके किसी भी वस्तु पर हम ध्यान लगा सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, तो हमारे आंखों में तनाव नहीं आएगा, या फिर बीच बीच में ठंडा पानी भी हम आंखों पर लगा सकते हैं, और आंखों के व्यायाम भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी आंखें अच्छी रहेंगी, उन पर कोई भी तनाव नहीं आएगा। तो सभी बच्चों को यह ध्यान में आया ना, कितनी अच्छी बातें हमने आज सीखी है, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत लिखना है, तो आप अभी से ये सारे जो बताए हैं ना उसके अनुसार अगर पढ़ाई और लिखान करेंगे ना तो वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तो आप अभी से ये सारे अच्छी कृतियां आचरण में लाएंगे तो आप आसानी से पढ़ना और लेखन ये कर सकते हो। सभी बच्चों को आज की ये आदर्श कृति अच्छी लगी ना? चलो अब आगे हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और स्थिरता से बैठेंगे। हम सब बच्चे श्री गणपति के चरणों में बैठे हैं। ऐसे मन ही मन भाव रखेंगे और ये अथर्व शीर्षक पूरी एकाग्रता के साथ अब हम कहेंगे। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्योषेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वचमि सत्यं वचमि, अवत्वं मां
अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिताः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्जसमिद्भिर्यजति
ससर्वं लभते ससर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते। स सर्वविद्भवति, स सर्वविद्भवति, य एवं वेदा इत्युपनिषत। ॐ भद्रं कर्णेभिश्रुणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्योषेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु वा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये स्तोत्र कहने से सबको अभी उत्साहपूर्ण और अच्छा लग रहा है ना? तो यही उत्साह हम दिन भर हमारे मन में रखेंगे और सारे कार्य बहुत ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ करेंगे। तो आज के इस संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा? तो पहले हमने श्री गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय ये श्लोक सीखा। उसके बाद आज हमने बहुत ही अच्छी दो कहानियां सीखी। एक तो थी भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सारे गोप गोपियों ने उनकी सहायता की, जिससे एकता और संगठन ये हमको सीखने को मिला। और उसके बाद दूसरी कहानी जो हमने देखी ना, उससे तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें मिला है कि भगवान हर एक कण कण में बसे हुए हैं और हम जो भी कुछ करते हैं वे सारी बातें भगवान को पता रहती है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता। उसके बाद हमने नामस्मरण भी किया और बहुत ही अच्छी दो कृतियां हमने सीखी कि हमारी लिखावट अच्छी सुंदर हो, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें आज हमने इस संस्कार वर्ग में देखी। और ये सारा हमको किसने सिखाया? तो भगवान के कारण ही ये हो रहा है ना? तो हम अब भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और मन ही मन में भगवान जी के चरणों में बैठकर हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आप ही की असीम कृपा के कारण आज इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसके लिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, इस संस्कार वर्ग के बारे में आप अपने अन्य मित्रों को भी बता रहे हो ना? उसके साथ ही ऑनलाइन स्क्रीन पर जो दरपट्टी जा रही है ना, वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी लिखा है, आप हमें भी अवश्य संपर्क करिए। और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसको भी आप अवश्य भेज दें। कल एक नई कहानी, एक और कुछ तो नई आदर्श कृति सीखने के लिए आप सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? चलो फिर आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।